मुअज्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे यानी अल्लाह के एक जलीलुल कदर नबी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का वाक़िया शेयर करेंगे। वीडियो बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती होगी, इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम के फरजंद असगर हज़रत इसहाक सलाम को बनी इसराइल का मोरसे आला कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं के फरजंद हजरत याकूब अलैह सलाम का लकब इसराइल था और उनके पैरोकार बनी इसराइल कहलाए। हजरत इसहाक अपने बड़े भाई हजरत इस्माइल से 13 साल और बाज रिवायात के मुताबिक 14 साल छोटे थे। कौम लूत की तबाही के लिए भेजे गए फरिश्ते जब जमीन पर आए तो उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होकर उन्हें एक फरजंद यानी हजरत इसहाक की पैदाइश की बशारत दी। आपकी पैदाइश 2060 कबल मसीह में उस वक्त हुई कि जब हजरत इब्राहीम की उम्र 100 और हजरत सारा की उम्र 90 साल थी। खुद कुरान का बयान है कि जब फरिश्तों ने हजरत इसहाक की विलादत की खबर दी तो हजरत सारा जो खेमे के दरवाजे के पास खड़ी बातें सुन रही थी, बेसाख्ता हंसने लगी और अपने माथे पर हाथ मार कर बोली, मैं अब क्या बच्चा जनूंगी, बुढ़िया बांझ है और मेरे शोहर भी बूढ़े हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह की मर्जी और हुक्म से हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जब आप अलैहिस्सलाम 8 दिन के हुए तो खतना का हुक्म नाजिल हुआ। यूँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना, हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का खतना उसी रोज किया। उसी रोज आप अलैहिस्सलाम का अकीका भी हुआ। जूं ही आप अलैहिस्सलाम थोड़े से बड़े हुए तो आपने बकरियां चराना शुरू कर दी, जो अंबिया किराम का मुश्तरिका पेशा था। जब हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की उम्र 37 साल हुई तो आपकी वालिदा का इंतकाल हुआ। आप उन दिनों हबरून में मुकीम थे। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी शादी का इरादा किया, लेकिन चाहते थे कि बहू कोई किनानी लड़की के बजाय उनके खानदान की हो। यूं आपने अपने एक खादिम को कुछ तहाइफ देकर रिश्ता तय करने के लिए हारान भेजा, जहां आपके भाई और दीगर अहले खानदान मुकीम थे। उनका खादिम हारान के करीब पहुंचकर एक कुएं पर ठहर गया, जहाँ कुछ लड़कियाँ पानी भर रही थी। खादिम ने दिल में सोचा कि जो लड़की आज खुद मुझे और मेरे ऊँटू को पानी पिला देगी, मैं समझूंगी कि अल्लाह ने उसी को हजरत इसहाक के लिए मुंतखब फरमाया है। थोड़ी देर बाद एक नहायत हसीनो जमील और नाजिक लड़की गड़ा उठाए कुएं पर आई। उसने खादिम के कहे बगैर पानी भरकर पहले उसे और फिर उसके ऊँटू को पिलाया। खादिम ने उसी को इशारा गैबी समझ कर साथ लाए जेवरात लड़की के हवाले कर दिए। उस लड़की का नाम रबका और उसके वालिद का नाम बतवाइल था। हजरत इब्राहीम के भाई नाहवर के बेटे और आपके भतीजे थे। रबका ने कुएं का वाकया अपने वालिद से जिक्र किया तो उन्होंने रबका के भाई लाबिन को भेजकर खादिम को बुलवाया। खादिम ने अपनी आमद का मकसद बयान किया और हजरत इब्राहीम के तहाइफ बतवाइल की नजर कर दिए। बाप बेटे ने बखुशी इस रिश्ते को कबूल कर लिया, लेकिन लड़की की मर्जी मालूम करके अगले ही दिन उसे खादिम के हमरा हबरून रवाना कर दिया। हजरत इसहाक और रबका की पहली मुलाकात हबरून के बाहर ही हो गई, क्योंकि हजरत इसहाक उस वक्त वहां बकरियां चरा रहे थे। उसी दिन दोनों का निकाह कर दिया गया। हजरत इसहाक की उम्र उस वक्त 40 साल बयान की गई है। शादी के 20 साल बाद तक दोनों औलाद से महरूम रहे। बिलाखिर हजरत इसहाक ने बारगाह इलाही में दुआ की और रबका के बतन से 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। पहले ऐसे ओदम जिनका रंग सुर्ख और जिस्म पर बाल थे, जबकि दूसरे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए। बड़े होकर हजरत ऐस अलैहिस्सलाम नामवर शिकारी बने और हजरत याकूब ने गल्लाबानी इख्तियार की। किनान में कुछ अरसे बाद कहत पड़ गया तो हजरत इसहाक ने मिस्र जाने का इरादा किया, लेकिन हुक्म इलाही नाजिल हुआ कि फलस्तियों के शहर जर्रार जाएं। जर्रार कदीम फोनीशिया मौजूदा लबनान के जनूब मगरिब में बहिरा रूम का एक साखली शहर
मंदिर था। पहले हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम भी वहां मुकीम रह चुके थे। उन्होंने वहां बहुत से कुएं खुदवाए थे जिन्हें फलस्तीनियों ने बंद कर दिया था। हजरत इसहाक अलैहि सलाम ने उन्हें दोबारा खुदवाया और कुछ नेक कुएं भी तामीर करवाए जिनमें आज भी बैर सबा बहुत मशहूर और मारूफ है। कहत साली खत्म होने के बाद आप वापस किनान तशरीफ ले आए। तौरात के मुताबिक आखिरी अय्याम में आप बहुत ज़ईफ हो गए थे, आपकी बिनाई भी जायल हो गई थी। आपने 180 साल की उम्र में 1880 कबले मसीह में वफात पाई और अपने वालिद और वालदा के पहलू में दफन हुए। प्यारे दोस्तों, ये थी हजरत इसहाक अलैहि सलाम से मुतालिक हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मजीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मुलाकात होती है इसी तरह की एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।